बात करेंगे सबसे पहले कोरोना रिटर्न्स की। जी हाँ, झारखंड पर फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टरों की माने तो दो हफ्ते में कोरोना का नया स्ट्रेन झारखंड में अपना रंग दिखाने लगेगा। कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमण का दौर फिर से शुरू होने वाला है, तो सतर्क रहिए क्योंकि सतर्कता ही इस बीमारी को फिर से हराएगी। बाकी वैक्सीन तो है ही। झारखंड में फिर से मंडरा रहा कोरोना का खतरा। दो सप्ताह में कोरोना का नया स्ट्रेन राज्य में दे सकता है दस्तक। एक बार फिर राज्य में पैर पसार सकता है कोरोना। राज्य में हवाई और रेल मार्ग से आने वालों पर है विशेष नजर। स्वास्थ्य विभाग भी है पूरी तरह से अलर्ट। राज्य में बढ़ाई जा रही है कोरोना जांच की रफ्तार। कोरोना वायरस का संक्रमण फिलहाल कम जरूर है, लेकिन एक बार फिर कोरोना पांव पसारने वाला है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद इस संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। एक्सपर्ट की माने तो झारखंड के लिए कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर जल्द ही शुरू होने वाला है। रिम्स ट्रॉमा सेंटर के HOD डॉक्टर PK भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले साल कोरोना संक्रमण जब देश में शुरू हुआ था उस वक्त सबसे ज्यादा संक्रमित महानगरों में ही मिल रहे थे, और कुछ दिनों में झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण का दायरा पड़ गया था, और इस बार भी एक बार फिर से कोरोना का नया स्ट्रेन महानगरों में पैर पसारने लगा है। रहा है ये उन्हीं शहरों से इसकी शुरुआत हो रही है जहां से इसकी शुरुआत पिछली बार हुई थी, जैसे दिल्ली में हुआ, बॉम्बे में हुआ, हैदराबाद, बैंगलोर, केरल में काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इन शहरों में रहने वाले लोग इनका विदेश से आवागमन काफी ज्यादा रहा। दूसरी लहर वाले कोरोना के लक्षण, शरीर में दर्द और पीड़ा, गले में खराश, आंख आना, सर दर्द, डायरिया, त्वचा पर रैशेज पड़ना और पैर की उंगलियों का रंग बदलना। देश में कोरोना के दूसरे फेज के नए स्ट्रेन का अटैक रेट काफी ज्यादा है, यानी कि पहले की अपेक्षा इस बार कोरोना एक साथ ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। दिख रहा था कि काफी संख्या में स्ट्रेन मिले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं, ज्यादा से ज्यादा दो तीन हफ्ते की बात होगी, हमारे झारखंड में पुनः एक दौर, हम दूसरा दौर बोले या तीसरा दौर बोले जिसको भी, मेरे ख्याल से झारखंड के लिए दूसरा दौर होगा, ये आना सुनिश्चित है, इसको हम रोक नहीं सकते। वर्तमान में रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में 20 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, इनमें से 12 मरीजों की स्थिति गंभीर है। यही नहीं, नए स्ट्रेन की वजह से फ्रांस जैसे देश में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में बेड तक की कमी पड़ने लगी है, और इसलिए झारखंड में भी और देश में भी इसे लेकर एक बार फिर से सावधान रहने की, सतर्क रहने की और कोरोना के गाइडलाइन के पालन करने की जरूरत है। News 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से अब नया स्ट्रेन आने वाला है और कोरोना रिटर्न्स बहुत भारी पड़ेगा अगर हम लापरवाह रहे। तो हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, जमशेदपुर से प्रभात जुड़ेंगे हमारे साथ और रांची से अंजनी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, कोरोना रिटर्न्स और इस बार बहुत महंगा पड़ेगा अगर हमने जरा सी भी लापरवाही दिखाई। देखिए आरती, जिस तरह से जो रिम्स के जो डॉक्टर हैं उनका जो कहना है या फिर जो खबरें अलग अलग राज्यों से जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जरूर हमें डरा रही हैं, लेकिन बहुत डरने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह से प्रिकॉशंस लेते हैं, क्योंकि सरकार का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार तमाम लोगों को जो है मास्क अभी भी जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि इसे मजाक में नहीं लें, क्योंकि ये जिस तरह से डॉक्टरों का कहना है ये कोरोना का जो संक्रमण है इसका स्वरूप जो है पूरी तरह से बदला हुआ है,
इसके जो इम्पैक्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। और यही वजह है कि सरकार या डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि आप मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें। ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका अनुपालन हर कोई को करना चाहिए। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड में भी अभी जो है कोरोना का जो संक्रमण है, जो फर्स्ट फेज का जो संक्रमण रहा है, वो पूरी तरह से समाप्त हुआ नहीं है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे तो रांची में अभी भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो कम नहीं है। मतलब पिछले 10 दिनों का आंकड़ा निकालेंगे आरती, तो रांची में लगभग 55% जो है मामले अभी भी आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि संक्रमण जो है या तो वो ट्रेन के रास्ते से आ रहा है या हवाई जहाज के मार्ग से आ रहा है। तो अब लोगों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, कई चीजें खुल गई हैं, और अभी जो है मार्च का 1 मार्च कल का दिन है, और कल से कई संस्थान खुलेंगे, शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा, स्विमिंग पूल खुलेगा, सिनेमा हॉल जो है, मल्टीप्लेक्स जो है वो कल से खुलने वाला है। तो वैसे में खतरा बढ़ने का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाता है। और यही वजह है कि हम कह सकते हैं या न्यूज 11 भी लगातार बिल्कुल, और अब ये चीजें ज्यादा अब लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी, क्योंकि देखिए अब मूवमेंट पहले से ज्यादा और बढ़ेंगी, क्योंकि 1 मार्च से कई और संस्थान जो कोरोना काल में बंद पड़े थे वो खुलने वाले हैं। प्रभात, देखिए जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि 1 हफ्ता बहुत क्रूशियल होने वाला है झारखंड के लिए, अगर नया स्ट्रेन जिस तरह से बातें की जा रही है कि, और इसके जो सिम्टम्स है वो भी बहुत मामूली हैं, किसी को हल्का जुकाम है, हेजेक है, या फिर अगर आप थोड़ी बहुत लग रहा है कि अगर आपको फीवर है तो ये भी कोरोना के सिम्टम हो सकते हैं, और ऐसे में अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं कि अगर दवाइयां ले ली मेडिकल स्टोर से ठीक हो गए, लेकिन ये सारे सिम्टम्स अब बताते हैं कि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की, जरा सी भी चूक हुई, तो फिर इसका ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से पूरे देश में जो कोरोना का सेकेंड स्टेज है, स्ट्रेन का दस्तक हो चुका है, और कई राज्यों ने तो लॉकडाउन लगाना भी शुरू कर दिया है। झारखंड में जैसे कहे जा रहा है कि कल से 1 मार्च से बहुत सारे चीज खुलने जा रहे हैं, जैसे पार्क हो गए या फिर सिनेमा हॉल हो गए या फिर शादियों में लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन सरकार को इस ओर थोड़ी सी फिर से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो आपने जैसे कहा कि इनका सिम्टम भी बहुत ज्यादा पता नहीं चल पा रहा, वैसे में धीरे धीरे जो मरीज है वो सीरियस हो जाता है, और उसमें तब उसको अगर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी भी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। देखिए कोरोना शुरू से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन आ गया तो ऐसा नहीं है कि वो कोरोना खत्म हो गया। लोगों को अभी भी अपनी सतर्कता दिखानी चाहिए, क्योंकि आपको केवल मास्क लगाना, सामाजिक दूरी पालन करना, अगर ये पालन कर लिए तो आप अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे चीजों को खोल दिया गया है, लोग बहुत रिलैक्स हो गए हैं कि अब लग रहा है कि भाई वैक्सीन आ गया तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है। जो जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आने वाले 1 हफ्ते में बहुत भारी पड़ने वाला है, तो कल से जैसे स्कूल कॉलेज ये सब खुलने वाले हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार को विचार करने की जरूरत है, ताकि कुछ दिन और बढ़ा दे। जिस तरह से पूरे साल हम लोगों ने लॉकडाउन में बिताया, बंद में बिताया, तो अगर 10 दिन और अगर हम बिता लेते हैं तो इससे कुछ होने जाने के ना, लेकिन हम अपने आप को, अपने झारखंड के लोगों को जरूर बचा सकते हैं, लेकिन लोगों को ही अपनी समझदारी दिखानी होगी। जैसे हम लोगों ने कोरोना काल में कहा कि लोगों को समझदारी दिखाना, लोगों ने कुछ हद तक समझदारी दिखाई भी, लेकिन अब बहुत सारे चीजों जो खुल गए हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों में ये आ गया कि रिलैक्स हो गए हैं, लेकिन रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अभी भी अपने आप को बचाना है। अगर आप नहीं बचाएंगे तो जिस तरीके का इसका स्ट्रेन का जो सिम्टम है आपको पता नहीं चलेगा और आप सीरियस हो जाएंगे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आप अगर 1 सप्ताह अपने आप को सेफ कर ले, चूंकि छोटे बच्चे को और बुजुर्ग को, जैसे पहले भी कहा जा रहा था कि 50 साल से उम्र ज्यादा जो बुजुर्ग है उसे सेफ करने की जरूरत है, क्योंकि हालांकि अब थोड़ी गर्म है, जैसे गर्म में ये कहा जाता है कि गर्म के मौसम में इसका जो वायरस का जो ये है, जो स्ट्रेन है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन जिस तरीके से दोबारा ये वेव आ रहा, और ये कहा जाता है कि जो भी पेंडेमिक आते हैं देश में उसका डबल सेकेंड वेव जरूर आता है, और वही अब ये सेकेंड वेव आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे राज्य में धीरे धीरे फैलने लगा। जैसे अब जमशेदपुर में भी पिछले दिनों अगर हम बताएं आरती,
तो एक ही परिवार के 19 लोग को कोरोना पॉजिटिव निकले थे और उसमें से दो लोगों की मौत भी हो गई थी। जी, तो जी। बाजार का जगह इलाका है, हालांकि उसके बाद प्रशासन ने उसे तुरंत रेस्क्यू करके MGM अस्पताल में भर्ती कराया और प्रशासन भी रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग कर रही है। और अभी जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि जो बंगाल से आने वाले लोग हैं या फिर उड़ीसा से जो चेक नाका है वहां पे कल से फिर से टेस्टिंग चालू की जाएगी, ताकि जो दूसरे राज्य से लोग आ रहे हैं उसकी प्रॉपर टेस्ट हो सके और टेस्ट होने में पता चल पाएगा कि सही में कोरोना है या नहीं। ये बातें शुरू से कही जा रही है प्रभात, की जांच की क्षमता जितनी बढ़ाई जाएगी हम इस पेंडेमिक पर उतने ज्यादा पकड़ बना सकेंगे, हम इससे इतना ज्यादा ही बच सकेंगे, क्योंकि डिटेक्ट जब हो पाएगा तो लोगों का इलाज हो पाएगा। अंजनी, ये मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि पेंडेमिक जब सेकंड फेज में आता है तो वो पहले से ज्यादा प्रभावशाली होता है, पहले से ज्यादा खतरनाक होता है, और जब ये सेकंड स्ट्रेन आ रहा है ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेवार लापरवाही है हमारी, क्योंकि वैक्सीन आई तो उसके बाद लोग जरा लापरवाह हुए। आप देखिए भीड़ में लोग चल रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, अगर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाले इसलिए रखे गए हैं कि जो गाड़ियों में चल रहे हैं लोग उनका उन्होंने मास्क पहना है कि नहीं पहना है, लेकिन जो पेडेस्ट्रियन है जो पैदल चल रहे हैं उन्होंने मास्क लगाया नहीं लगाया इसके लिए कोई तफ्तीश नहीं होती और लोग धड़ल्ले से निकल रहे हैं। ये छुआछूत की बीमारी है, इसका सिंपल सा फंडा है लोगों से दूर रहें, लोगों के जो सलाइवा है उससे बचे रहें, स्वैब से बचें, खुद को बचाएं, लेकिन लोग मान नहीं रहे। आप देखिए लापरवाही तो बाजारों में हम लोग भी देख पाते हैं कि किस तरह से लोग जो है बेखौफ होकर घूमते हैं। मन में एक डर जो था कि कोरोना की दवा नहीं आई है, तो वो आ जाने के बाद लोगों का आत्मविश्वास तो बढ़ गया है, लेकिन उनका जो प्रिकॉशन लेने का जो अंदाज है वो पूरी तरह से बदल गया है। तो ये हमारे लिए और पूरे राज्य के लिए खतरे का संकेत है। तो जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस भी कई बार लोगों को बताते हैं, लेकिन जिस तरह से देखिए दिल्ली में हर कोई अभी मास्क इसलिए पहनता है कि वहाँ 2000 रुपये का फाइन रखा गया है, आप पैदल चल रहे हो या फिर फोर व्हीलर में हो या टू व्हीलर में हो। तो लोगों में एक डर भय होना चाहिए प्रशासन का, और हर समय हर जगह पुलिस समझाए या अखबारों के माध्यम से लोग समझाते रहे, हम लोग लगातार जो है हम लोग भी बताते रहते हैं, लेकिन लोग जो है ये लापरवाही से जो है बाज नहीं आ रहे हैं। और अमूमन अभी आप देखेंगे शहर में, जैसे मैं अभी सुबह की ही बात बता रहा हूँ, ये जिला स्कूल मैदान में तमाम लोग सुबह सुबह खेलते हैं, जो मॉर्निंग वॉक करते हैं वो तो मास्क पहनते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बैट बॉल और क्रिकेट खेलने के लिए बिना मास्क लगाए घरों से निकले हैं, और उनकी उम्र जो होगी 10 साल से 12 साल की उम्र होगी। तो घर के लोगों की भी एक जिम्मेदारी होती है आरती, कि बच्चे घरों से नहीं निकले बेवजह, क्योंकि इसे मजाक में नहीं लें, क्योंकि ये जो सेकेंड फेज का जो कोरोना का जो संक्रमण है, जो वायरस है, वो काफी प्रभावशाली बताया जा रहा है कि इससे एक व्यक्ति से कई लोग संक्रमित हो सकते हैं, तो वैसे में खतरा बढ़ सकता है, और यही वजह है कि पूरे झारखंड में खतरा बढ़ सकता है। और इसके लिए सीधे तौर पे हम कहें तो हम और हमारी लापरवाही जिम्मेदार है अगर ये खतरा बढ़ता है। प्रभात, सिंपल अगर एक सवाल पूछा जाए तो प्रशासन ने जब तक अपनी सख्ती दिखाई कोरोना पे हमारी पकड़ मजबूती से बनी रही, हमने बहुत हद तक कंट्रोल किया, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे छूट का दायरा बढ़ा वापस देखिए फिर से लापरवाही का नजारा, और हम एक बार फिर उस खतरे की दहलीज पर खड़े हैं। बिल्कुल आरती, हम सही ये कह सकते हैं कि हम खतरे के दहलीज पे खड़े हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं वो आपके लिए दी हैं, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरतें की चीज है, चाहे अपने परिवार को चलाना है, उसको मेहनत करके अपने रोजगार को भी चलाना है, तो वो चलाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज को पालन करना होगा। देखिए देश के प्रधानमंत्री अभी भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गया तो सारा कुछ खत्म हो चुका है, अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है और सामाजिक दूरी पालन
करना सबसे जरूरत है, ज्यादा जरूरी है। अगर देखिए एक सलाह है हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, अगर आप बाजार में जाते हैं, आप मास्क पहनते हैं, अगर मान लीजिए आप मास्क भूल भी गए तो एक अपने साथ छाता जरूर रखिए। छाता अगर आप लगाते हैं तो आपकी आसपास की दूरी अपने बन जाएगी, क्योंकि लोग आपसे सट नहीं पाएंगे। तो अगर बाजार में जाते हैं, अगर मान लीजिए आप सैनिटाइजर भूल गए हैं या फिर मास्क नहीं लगाया, तो ये कम से कम सामाजिक दूरी ही सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। देखिए दो आंटी है यहाँ पे अगल बगल, ये लोग मॉर्निंग वॉक करती है, काफी देर से हमारे पीछे है। देखिए ये खतरा फिर से बढ़ रहा है, तो क्या लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए? जब आपने मास्क लगाया, मास्क आप पहले ऊपर चढ़ा लिए, नाक से ऊपर रहना चाहिए नाक। क्या लगता है कि लोगों को अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लोगों को क्या बताएंगे कि अभी भी पेंडेमिक का खतरा बढ़ा हुआ है, आप इसको बचा के रखना है? वो पहले से जो बताया गया है कि मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, इसका पालन हम लोग को करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए। कैसे पालन करेंगे क्यों फिर से दोबारा आ रहा है? जी हाँ, मैं कामनी जायसवाल और सोनारी की रहने वाली हूँ। जितने बार और जिन लोगों ने, बड़े बड़े डॉक्टर या बड़े बड़े सलाहकारों ने जो कुछ भी बताया है उसको फॉलो करना चाहिए। हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डिस्टेंस बनाना है, घर में या बाहर या समाज में साफ सफाई पे पूरा ध्यान रखना है, और दूरी तो हमेशा बना के रखना चाहिए। कभी भी कोई चीज में ढीला नहीं लेना चाहिए। ये बीमारी अभी खत्म नहीं हुआ है, बढ़ रहा है। प्लीज आप लोग जो हैं, पुराने जो भी नियम था उसको हमेशा लागू रखें, थोड़ा भी ढीला ना हो, इस बात पे ध्यान रखें। देखिए आरती, इन्होंने कहा कि पुराने जो नियम है वो अभी भी लागू रहना चाहिए, और इन्होंने एक और बात कहा कि अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सफाई भी रखें, क्योंकि साफ सफाई भी अगर आप रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो गंदगी के चलते आते हैं, जैसे डायरिया हो गया या फिर मलेरिया। अगर जो जिन महिलाओं ने बातचीत की वो बखूबी समझ रही है कि जो गाइडलाइंस है कोरोना को दूर रखने के लिए, अगर आप अभी भी उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप इस संक्रमण से बच सकते हैं, और न सिर्फ आप बच सकते हैं बल्कि आप पूरी सोसाइटी को इससे बचा सकते हैं। बने रहिए अंजनी और प्रभात हमारे पास, हम लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन वापस लौटते हैं आपके पास। तो बातचीत हो रही है कोरोना रिटर्न्स की, जरूरत है सावधान रहने की।